मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, भारत में लॉकडाउन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। धीरे धीरे भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ आते हैं टीवी पर और टास्क देकर चले जाते हैं और लोगों ने उसका भी मजाक बना दिया है। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज से तबलीगी जमात में आए लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। पुलिस इस पर जांच कर रही है और उन लोगों को ढूंढ रही है जो इस जमात में शामिल थे, ताकि उनसे और लोगों को वायरस ना हो। पर मामला मुस्लिम समुदाय का होते के चलते हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को टीआरपी के लिए मुद्दा मिल गया है। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। दिस इस्लामिक कांग्रेगेशन हैज ऑल्सो एटलीस्ट इफेक्टिवली 3,000 कोरोना सस्पेक्ट्स। क्या ये जानबूझ कर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? फाइनली राहुल, दिस इज बायो आतंकवाद, दिस इज बायो जिहाद। और जमात के ना जाने कितने लोग इस वक्त देश में कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। तबलीगी जमात का नाम आते ही मीडिया ने एक ही तबके पर निशाना साधा और उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मीडिया ने कुछ ऐसे हेडलाइंस भी बना दिए जिससे देश में नफरत का माहौल पैदा हो सके। इंडिया टीवी पर जमात ने देश में फोड़ा भयंकर कोरोना बम, और न्यूज नेशन पर क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बम? क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बम? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बम? तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्ब पर तैयार करती है। ऐसे मुद्दे पर अन्नब भी काफी गुस्से में दिखाई देते हैं जब बात हिंदू मुस्लिम की हो। अर्नब अपने शो में निजामुद्दीन मुद्दे पर मुस्लिम गेस्ट पे ही भड़क गए। मुशर्रफ अली और मेहर इलाही, आपने ऐसा क्यों किया? आपने सोचा नहीं कि सब जानते हुए भी आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? बुरा न माने, आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप मेरी बात सुनिए, पूरे देश में कोरोना फैला है। पूरे देश में कोरोना जो है आदमी की जात देख के नहीं आएगा। पूरे देश में भाई साहब मेरी बात सुनिए, कोरोना जो है किसी की जात देख के आपने क्यों फैलाई, किसी का धर्म देख के नहीं आएगा। मेरे पहले सवाल सुनिए, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आपको मेरे सवाल तो सुनना होगा। बोल रहे मेरा दिमाग वाहियात में अरे आपका दिमाग खराब हो गया तो बताइए। आप लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, अपने आप को क्या समझते हैं? वायरस, आप अलग देश है, आप अलग मुल्क है, आप अलग मुल्क है, वायरस आप मुल्क है अलग। मैं कुछ नहीं समझता, आप इस देश में है कि नहीं है? आप भारत में है कि नहीं है? सुनिए मेरी, आप हिंदुस्तान में है कि नहीं है? देश का आप कैसे उल्लंघन कर सकते हैं? न्यूज नेशन के दीपक चौरसिया कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने शो में तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कह दिया, लेकिन बाद में वे मुकर गए और ये मानने से ही इनकार कर दिया। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। बोलेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई। वहीं जी न्यूज पर सुधीर चौधरी ने तबलीगी जमात का जिक्र किया और हमेशा की तरह नफरत ही फैलाते दिखे। दिल्ली बंद है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं चला कि उनकी बाउंड्री लाइन के उस तरफ हो क्या रहा है, उनके बाउंड्री वॉल के उस तरफ क्या चल रहा है।
और या तो ये लापरवाही है और या फिर इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। जहां अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरेंगे तो आपको कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शाहीन बाग में भी वही स्थिति थी। शाहीन बाग में कितने दिनों तक, महीनों तक, ना तो भारत का संविधान लागू हुआ, ना भारत के कानून चले और ना ही दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। इस सब नफरत की दूसरी ओर न्यूज 24 ने तबलीगी जमात को लेकर डिबेट में मौजूद बीजेपी प्रवक्ता से वो सवाल किए जो शायद बाकी मीडिया को भी पूछने चाहिए थे। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धि विनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि सिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। जहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है, हमारा मीडिया मानो एकदम से एक्टिव हो जाता है। लोग भी चाहते हैं कि मीडिया एक्टिव रहे, पर सरकार की नाकामियों पर सवाल करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।